सबसे पहले तो अपना लोगुम वेलफेयर सोसाइटी के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के इस शुभ अवसर पर आप सभी जो लोगुम के जितने भी जो 15 क्लैन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए हैं अलग अलग गांव से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, आप सभी को हमारे ओर से इस गोल्डन जुबली का अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने इस बार के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के प्रेसिडेंट हमारे श्री हेंतो गर्गा जी और जनरल सेक्रेटरी दोगे कंदुक जी, और खास करके हमारे डीआईजी साहब तोजो गर्गा जी और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्याबर जी, जिन्होंने पर्सनली हमको टेलीफोन करके भी हमें इनवाइट किया और मेंबर्स लोग खुद मेरा ऑफिस में वहाँ आके अपना लोगम सोसाइटी का जो गोल्डन जुबली का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और मैं भी काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ कि इस बहुत रेयर ओकेजन है, बहुत ही एक खास ओकेजन है, इसमें हमको भी एक यहाँ पे आके इस गोल्डन जुबली का एक पार्ट होने का जो मौका दिया है, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस हिस्टोरिक ओकेजन में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सांसद, प्रदेश के सीनियर लीडर श्री तपिर गांव जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्यामर करबक जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री कर्दू निग्योर जी, श्री किंतो जीनी जी, श्री गोकर बसर जी, और हमारे जीडब्ल्यूएस गालो वेलफेयर सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट और पूर्व हमारा कमिश्नर भी रह चुके हैं श्री मारनिया एते जी, और हमारे एसपी इंचार्ज श्री तुमे अमो जी, कमांडेंट सेकेंड एबीपी बीएन, एडीसी आलो, एडीसी कंबा, एडीसी योमचा, और हमारे बीआरटीएफ 44 बीआरटीएफ के कमांडेंट श्री बीपी सिंह जी, 28 बटालियन आईटीबीपी के कमांडेंट श्री ताशी नमगिल्ला, हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट है ताकिन कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, यहाँ उपस्थित जितने भी जो जिला परिषद मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, और हमारे गांगबुरा गांगबुरीस और मीडिया के दोस्तों, तो आज का जो दिन है हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके अपना लोगों से जुड़ा हुआ जितने भी जो क्लैन है, हमें बताया गया है कि कुल मिला के आदि में भी लोगों का है और अपना गालो में भी है, कुल मिला के 15 क्लैन से जुड़ के इस लोगों वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ है। और आज यहाँ आके अपना जो स्टेचू है अपना आतो लोगों का, उनका भी अनवेलिंग करने का हमें मौका मिला है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों के प्रेसिडेंट श्री हेंतो गर्गा जी ने अपने लोगुम वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जो हिस्ट्री उन्होंने जो बताया 1973 से लेके अभी तक जिस प्रकार से जो चला है, वो वाकई ही आप लोगों का तारीफ करने लायक है। हमें लगता है कि ये जो लोगुम वेलफेयर सोसाइटी है, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल फाउंडेशन में है कि जितने भी जो प्लान है अपना, जैसे करकों का भी है, अपना लोगों का भी है, इस प्रकार से ये इनिशियल स्टेज में आप लोग ने वन ऑफ द पायनियर्स आप लोग ने शायद अरुणाचल में इस प्रकार से आप लोग ने शुरुआत किया है। और जो अचीवमेंट अपने प्रेसिडेंट साहब करगा जी ने जो बताया कि समाज में किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं लोगों वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, और आने वाला दिनों में भी आप लोगों को और भी हम लोगों को कुछ कुछ क्षेत्र में आप लोगों के बीच में हम रखेंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आप लोगों के बीच में रखेंगे, उसके ऊपर में और भी काम हम लोगों को करना होगा। आप सबको पता है कि पिछले करीबन 9-10 सालों में हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का अगर विकास के बारे में बात करें, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर केवल अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट अभी बहुत तेजी गति से हम लोग आगे बढ़ रहा है। पूरे देश, पूरे भारत देश तो आगे बढ़ ही रहा है। एक जमाना हुआ करता था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही एक नेग्लेक्टेड एक एरिया हुआ करता था। आज इस सभा में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपना लोगों समाज के काफी सीनियर्स लोग हैं और डाइस में काफी सीनियर्स लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग सोचिए कि 10 साल पहले अपना नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत हुआ करता था और अरुणाचल प्रदेश का क्या हालत हुआ करता था।
अभी आज के परिस्थिति में देखिए कि अरुणाचल प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है, नॉर्थ ईस्ट कितना आगे बढ़ चुका है। तो ये सब जो जो डेवलपमेंट के हिसाब से जो सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, समाज स्टेट आगे बढ़ रहा है, इसमें लीडरशिप का बहुत इम्पोर्टेंट एक उसमें एक वैल्यू होता है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक दिशा दिखाया, टीम इंडिया का उन्होंने कंसेप्ट उन्होंने घोषणा किया। उसी प्रकार से अरुणाचल में हम लोग ऐसे टीम अरुणाचल के हिसाब से हम लोग पिछले कई सालों से हम लोग एकजुट होके मेहनत करके अपना समाज में हो, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तब जाके स्टेट भी हम लोग आगे लेके जा पाया है। अभी कुछ कुछ आंकड़ा मैं आप लोगों को मैं देना चाहेगा कि पिछले कई सालों से हम लोग ने खास करके फाइनेंस के क्षेत्र में हम लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग ने अचीवमेंट किया हुआ है। मैं फाइनेंस को इसलिए स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हुए हैं अलग अलग फैमिली से, तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का होता है कि स्टेट का जो बजट, फैमिली का अपना घर का इनकम, अगर घर का इनकम अच्छा होता है तो बच्चों को हम लोग और भी फैसिलिटी दे सकते हैं, अपना घर के लिए हम लोग और भी फैसिलिटी हम लोग प्रावधान कर सकता है, हम लोग घर का प्लानिंग हम लोग और भी अच्छा से हम लोग कर पाता है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में फाइनेंस में भी हम लोग ने बहुत अच्छा हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। 1972 जो अरुणाचल का नामकरण हुआ है तब से ही एस विलियन टेरिटरी हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया। 1987 में हम लोगों का स्टेटहुड, फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड मिला। तब से लेके 1972 ऑनवर्ड्स जब से हम लोगों का यहाँ पे अपना गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ है, तब से लेके अपना स्टेट का जो रेवेन्यू वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। 2016 में जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मैंने कंपेयर किया कि 2016 तक का एक साल का इनकम क्या है अपना स्टेट का, तो वहां मैं फाइनेंस और प्लानिंग सब लोग ने रिपोर्ट दिया कि करीबन 900 करोड़ था उस वक्त में एक साल का इनकम। और ये 900 करोड़ भी है 1972 से सात साल में बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। 2015-16 का आंकड़ा है 900 करोड़। तो उस 900 करोड़ को अभी बढ़ाते बढ़ाते डबल से भी ज्यादा करते करते अभी लास्ट 2023 का बजट में हम लोग ने देखा कि 3500 करोड़ हम लोग ने पहुंच चुका है। अभी इस बार का तो 2024 में रेगुलर बजट तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन के कारण से सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा, मगर इलेक्शन के बाद में रेगुलर बजट वहां पे पेश किया जाएगा, वहां में तो और भी हम लोग ने काफी ये पार किया होगा। तो स्टेट को देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों का रिसोर्सेस को हम लोगों को आगे बढ़ाना ये बहुत ही जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये आप सब लोग जानते हैं और मैं भी इस चीज़ को बार बार आप लोगों को बोलते रहता हूँ। और अरुणाचल में जिस प्रकार से अपना जो लोगों जो कैन है वो आदि आदि ट्राइब में भी है, गालो ट्राइब में भी है। इस प्रकार से अरुणाचल में ट्राइब को देखा जाए तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स ये अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं, 26 मेजर ट्राइब और मोर देन 100 सब ट्राइब्स हम लोग कहते हैं। तो यहाँ का जो डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे डाइवर्स स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। हम लोग एक ट्राइब दूसरा ट्राइब से हम लोग भाषा समझ में नहीं आते, इसलिए हम लोगों का भाषण भी हिंदी में हम लोगों को देना होता है। मगर हम लोगों का जो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो अरुणाचल जैसे और कहीं भी नहीं है। बीच बीच में छोटा मोटा इंसिडेंट तो होते रहते हैं, मगर इसमें इस यूनिटी को कायम करने के लिए हर एक ट्राइब का लोग, हर एक समाज, हर एक प्लान के लोग ने सदियों से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया हुआ है। और अरुणाचल का जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पूरे देश में सबसे सुंदर कोई स्टेट है तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश ही है। अभी आर्ट्स वाइज जो 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तामिंग क्षेत्री बोलिए, सुबनसिरी बोलिए, सियांग बोलिए, तिरप बोलिए या लोहित बोलिए, उस पूरा जो क्षेत्र का हमें जो पर्सनली हमने तो अरुणाचल को इतना बार ये टूरिंग किया हुआ है, हमें जो लगता है कि सबसे पोटेंशियल और सबसे सुंदर एरिया तो आर्ट्स वाइज जो आपका जो सियांग जो बेल्ट है उसका कंप्लीट में तो कोई भी नहीं है। यहाँ सियांग बेल्ट में इतना पोटेंशियल है आप लोगों का, इतना बढ़िया पोटेंशियल है कि अरुणाचल का नंबर 1 पोटेंशियल एरिया ये अपना सियांग रीजन में है। टूरिज्म का क्षेत्र में हो, नेचुरल रिसोर्सेज का क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में हो, बहुत अच्छा रिसोर्सफुल रीजन है ये।
तो इस प्रकार से अभी गवर्नमेंट हम लोग पानी आगे का पानी का जर्नी को लेके हम लोग काफी आगे अपना पास एक्सपीरियंस को भी लेते हुए फ्यूचर का अरुणाचल का पानी किस हिसाब से होना है उसको ऊपर में हम लोग काम करना बहुत पहले से भी शुरू कर दिया है। आज कपिलगांव जी का स्पीच में भी इन्होंने जिक्र किया और अपना जी डब्ल्यू एस माननीय एटे साहब का स्पीच में भी एटे साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल इज होम फॉर मोर देन 26 मेजर ट्राइब, तो वाकई में अगर अपना स्टेट को आगे बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री इटानगर में बैठ के या हमारा जितने भी जो मंत्री और ऑफिसर्स को इटानगर में बैठ के अगर हम ही लोग अगर प्लानिंग करेगा तो ये स्टेट जो है गड़बड़ होते रहेगा और बाद में क्रैश भी हो जाएगा, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, हर एक एरिया का चैलेंजेस अलग है, हर एक एरिया का अपॉर्चुनिटीज भी अलग है, उसी आधार से आपको प्लानिंग जो है हम लोगों को करना होता है। तो आज से 6-7 साल पहले हमने ये शुरुआत किया कि अपना जो एपेक्स बॉडी होता है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीबीओस, उनको हमने बजट मेकिंग में प्रोसेस को हम लोग ने शामिल किया, हर एक टाइप का एपेक्स बॉडी को बुलाया, अपना जी डब्ल्यू एस का गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला के पूरा दिन भर वहाँ कॉन्फ्रेंस चलता है कि आपके एरिया में लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप लोगों के एरिया में क्या चैलेंजेस हैं, आप लोग किस प्रकार से डेवलपमेंट का साथ में सरकार का साथ में आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस को कैसे रोल आउट कर पाएगा, तो इस प्रकार के इश्यूज को लेकर हम लोग ने काफी डिस्कस करते हुए तो ये हम लोग ने क्लैरिटी दे दिया कि सरकार का जो पुराना जितने भी जो बजट बनता था, बजट जो है काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, मगर ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने सोचा कि अरुणाचल में इतना सारा टाइम है, सरकार अकेला इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग चुपचाप से बनाएगा तो ये जस्टिस नहीं होगा, इसलिए बजट का प्रिपरेशन का भी मैंने पूरा पब्लिक कर दिया है। प्रैक्टिकली सभी जैसे मैंने कहा सीबीओ को बुलाता है, इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल भी हमने 5-6 साल से उसको शुरुआत कर दिया ताकि एजुकेटेड जो यूथ लोग हैं अपने अपने सजेशन ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक सरकार को भेज सके कि बजट किस प्रकार से उन लोगों का एस्पिरेशन को मीटअप करना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी लास्ट 7-8 ईयर से अरुणाचल का बजट जो है हम लोग ने इस प्रकार से बनाना शुरू हुआ है और आज अरुणाचल प्रदेश ने जितने भी जो अचीवमेंट किया है ये उसी का ही फीडबैक है, उसी बजट प्रिपरेशन का ही फीडबैक है जो आज हम लोगों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट में अपने गाँव में जो देखने को मिल रहा है। अभी आने वाला जो दिनों में भी इस बजट प्रिपरेशन के बारे में बोलिए या गवर्नमेंट का प्लानिंग है उसमें हम लोग एक बड़ा रिफॉर्म अभी हमने रोड में बना के रखा हुआ है, जैसे अभी इस बार का इलेक्शन खत्म होने के बाद उस प्लानिंग प्रोसेस को मैं पूरा अभी रोल आउट करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सीएम साहब टूर नहीं किया या मंत्री एमएलए लोग टूर नहीं किया तो पब्लिक मेमोरेंडम आ जाता है, उस पब्लिक मेमोरेंडम के आधार पर हम लोग जाके उसको एडजस्ट करते हैं। पब्लिक मेमोरेंडम बहुत अच्छा बात है मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको ये लगता है कि हर एक पंचायत में अपना अपना जो प्लानिंग प्रोसेस जो है वहीं से शुरुआत होकर आना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में खास करके हमारा जो डिप्टी कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग और भी एम्पावरमेंट हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारा ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर्स उनके साथ होगा और हमारे गो सांसद है गोलू सांसद का अपना अपना एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर में आता है उनका भी रोल रहेगा और खास करके पंचायत जो बॉडी है आप लोगों का भी उतना ही रोल रहेगा। सो इस प्रकार से प्लानिंग को हम लोग फ्यूचर में और भी इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में मैं आगे लेके जाने वाला हूँ। अभी जिस प्रकार से मैंने कहा कि अरुणाचल में फाइनेंसिस का जो सुधार हो रहा है, पैसा का कमी अभी अरुणाचल के पास में नहीं है, पैसा अगर अच्छा से हम लोग प्लानिंग करें तो पैसा का कमी नहीं है। अभी पिछले 8-9 सालों का जो हम लोगों का प्लानिंग को देखिए कि अभी हेल्थ क्षेत्र में हो अच्छा अच्छा हॉस्पिटल्स अभी हम लोग बना के लेके जा रहा है, स्कूल्स में भी हम लोग अच्छा अच्छा स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग लेके बना के लेके जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो हर एक क्षेत्र में हो इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग आगे लेके जा रहा है, रोड्स में देखिए रोड्स का क्वालिटी हर एक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ के जा रहा है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट में पैसा का कमी नहीं है, हम लोगों को प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सही पैसा जो है सही सेक्टर में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके लिए देखिए समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हम लोगों को प्ले करना होगा।
समाज जो है अपना हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट के साथ में भी आप लोगों को जुड़ना चाहिए, और समाज जो है अपना सोसाइटी में जितने भी जो खराब चीज हो रहा है उसको भी समाज से बाहर निकालने में आप लोगों का बहुत एक्टिव रोल और पार्टिसिपेशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे एजुकेशन का मैंने बोला, हर एक सरकार का टॉप प्रायोरिटी होता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। तो एजुकेशन में अभी हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग इस प्रकार से प्लानिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए आज हम लोग यहाँ पे कम्बा में है, कम्बा लिलोमा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो यहाँ में यहाँ के जितने भी जो हमारा पंचायत है, यहाँ के हमारे MLA साहब है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अपने ADC और CEOs लोग, आप लोग जो मीटिंग करेंगे डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले हम लोगों का एजुकेशन, क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मगर एजुकेशन और हेल्थ ये दो चीज जो है हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एजुकेशन को देखते हुए आप लोगों को हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल का आप लोगों को उसको रोड में बनाना चाहिए, प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल है या प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या जो भी गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या गैप है, उसमें मैन पावर का क्या गैप है, उसको पूरा लिस्टिंग करके उसको आप लोग सरकार में ये भेजना चाहिए। उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी हो गया आपका सब सेंटर, PSC, CAC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर में क्या कमी है। देखिए अभी दुनिया जो है वो बदल चुका है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत तेजी गति से अभी दुनिया ये आगे बढ़ रहा है, और उस बढ़ते हुए टाइम में हम लोगों का एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हम लोगों को पीछे छोड़ने नहीं देना है। हम लोगों का कोशिश ये होना चाहिए कि यहाँ का जो पेशेंट जो है खम्बा एरिया का, यहाँ का खम्बा का CAC में ही ट्रीटमेंट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए तो वहां तक ही ट्रीटमेंट हो जाए, और एक ट्रीटमेंट तो पासीघाट या अपना TIMS में जाके। हम लोगों का ऐसे ह्यूमन और पहले से ही मैं देखा कि ऐसे होना चाहिए, हमेशा ये टेंडेंसी होता है कि कोई कोई बीमार भी हो जाता है तो डायरेक्ट दिल्ली चलते हैं, डायरेक्ट कहीं दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, दिल्ली ही जाना है। अभी हेल्थ में बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने कर चुका है, आप सभी को पता है कि जो अपना तोमर रीवा हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है उसको फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वो हमने ही लेके वहां पे स्टार्टिंग किया 2017 ऑनवर्ड्स। इसके बाद लास्ट ईयर फर्स्ट बैच के 100% रिजल्ट लेते हुए वहां से पास आउट हो गया। अभी आज हम लोग थोड़ा सा TIMS में आके देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना हुआ है, अच्छा अच्छा डॉक्टर्स लोग वहां पे है, कुछ भी चीज होता है हम लोग दिल्ली जाना जरूरत नहीं होता है, कम से कम TIMS में आके एक बार इलाज को करके देखिए, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन हम लोग ने बनाया हुआ है। उसी प्रकार से अब एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को और भी अच्छी प्रकार से हम लोगों को प्लानिंग करना बहुत ही जरूरत है। तो आज यहाँ पे जब आए हैं तो मैं और एक दो पॉइंट आप लोगों के बीच में रखना चाहेगा कि समाज लोग किस प्रकार से अपना जो नेगेटिव जो इफेक्ट है उसको समाज में कैसे कंट्रोल करना है और समाज से कैसे बाहर निकालना है। कपिल गौर जी ने यहाँ से ही मेंशन किया कि ये ड्रग्स का जो मैटर है, ये मैटर जो है हर एक समाज में घुस चुका है और ये मैटर बहुत ही सीरियस है हम लोगों के लिए। अभी देखो डेवलपमेंट जब होता है तो साथ साथ एक नेगेटिविटी भी लेकर आता है, मॉडर्निटी जब होता है तो एक नेगेटिविटी भी लेकर आता है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि आज से 25 साल पहले का बात कीजिए तो वहां में जो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, तो वहां में हम लोग का समाज कितना हैप्पी सोसाइटी था, रोड नहीं था, लाइट नहीं था, घर घर में पानी भी नहीं था, डेवलपमेंट के नाम में कुछ भी नहीं था, अपना सिर्फ चांगा में हम लोग बैठता था, तो उसमें लेकिन हम लोग का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना अच्छा था, अपने फैमिली में मिलजुल के बातचीत होता है, दोस्तों का भी बीच में मिलकर बातचीत होता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट जब आना शुरू हुआ, रोड आता है, TV आता है, आजकल तो अभी नमर जी ने जो कहा कि आजकल मोबाइल फोन और इंटरनेट वो होने का बाद दूरी जगह हो गया, कनेक्टिविटी तो बन गया, रोड भी बन गया, हाईवे बन गया, पूरा सड़के जितने भी जो गाँव था सड़क भी बन गया, सारा चीज बन गया, उससे और भी क्लोज होने का जगह में हम लोग ज्यादा दूरी हो गया, आपस में एक दूसरे से मिलता भी नहीं है, कुछ होता है तो व्हाट्सएप कर देता है,
आपके बातचीत भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये एक नेगेटिव इफेक्ट है डेवलपमेंट का। उस नेगेटिव इफेक्ट को सोसाइटी के हिसाब से हम लोगों को ओवरकम कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी आप लोगों को अध्ययन करना ये बहुत ही जरूरत है। क्योंकि हम हमेशा आपको भी मैं सवाल करता हूँ और मैं बाकी अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि आखिर हम लोग जो इस दुनिया में जन्म लिया है तो किसने जन्म लिया है? जन्म लिया है तो जिंदगी जीने के लिए जन्म लिया है। जन्म लिया है तो यही मतलब ये नहीं है कि हमेशा दौड़ करते रहो, फैमिली से बात मत करो, दोस्तों से बात मत करो, अपना रिलेटिव से बात मत करो, बिजी हमेशा बिजी रहते रहो। बिजी होना जरूरी है, ये तो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अपना जिंदगी को हम लोग जीना चाहिए। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग देखे आया है बिना कपड़ा का आया, जाते वक्त भी बिना कपड़ा का ही जाना है। चाहे जितना भी बिजी हो, जितना भी आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना बिजी होकर बैठता है, अपने आप के लिए टाइम निकालना है, फैमिली दोस्तों के लिए टाइम निकाल नहीं पाने से तो मैं उस लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में मैं पर्सनली को भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो हमेशा फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, अपना गाँव वालों के साथ में जो खुशी से जो जिंदगी बिताते हैं, मैं तो उसको ही सबसे सक्सेसफुल मानता हूँ। सो इस दौरान अभी मैंने जो बोल रहा था कि मॉडर्निटी के साथ में जो नेगेटिविटी, तो इस प्रकार से काफी सारा नेगेटिविटी अपने साथ में जुड़ जाता है। जैसे ड्रग्स के बारे में हो गया, आज जितने भी जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में है वही अपना समाज का, अपना लोगों में लेकर का फ्यूचर है, वही अपना दालो समाज का, आदि समाज का, वही इस स्टेट का फ्यूचर, इस देश का फ्यूचर है। तो उस फ्यूचर जो जनरेशन को हम लोग ड्रग्स में ही वहाँ पे इन्वॉल्व करा के, वी कैन एक्सपेक्ट ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी, दिस स्टेट एंड दिस कंट्री। तो इसलिए ये ड्रग्स जो मिलन जो है उसको साथ देने के लिए आप लोग भी एकजुट होके और सोसाइटी का मीटिंग में आप लोग चर्चा करना चाहिए कि अपने अपने गांव लेवल में भी इसको चर्चा होना चाहिए कि आपके गांव में कितने लोग जो है वो ड्रग्स से वो एफेक्टेड हो चुका है। और ड्रग्स भी एक बीमारी की तरह है। हम लोग का कभी कभी सुनने को मिलता है कि जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है उसको पूरा सोसाइटी में लॉकडाउन करके रख देता है, इसलिए फैमिली लोग भी उसको डिस्क्लोज कर नहीं पाता है, फैमिली लोग भी छुपा कर रखता है। मगर ये चीज जो है ये गलत है। जिन जिन का घर में ड्रग एडिक्ट है वो लोग बातचीत करके उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप लोगों को लेके जाना है। यहाँ आलो में अपना जो मदर्स इनिशिएटिव लोग ने जो यहाँ पे ड्रग सेंटर जो रन कर रहा है बहुत अच्छा रन कर रहा है, सरकार की ओर से हम लोग उसको सपोर्ट भी कर रहा है। अगर बाहर भी लेके जाना है तो बाहर भी मैं भी लेके जाए, उसके लिए भी सरकार हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मगर घर में छुपा के रखेगा तो और भी डेंजरस होगा, और भी डेंजरस इसलिए होगा क्योंकि वो फिर कहीं घर से बाहर चला जाएगा, फिर दोस्तों को इन्फ्लुएंस कर लेगा, तो ये नंबर जो है मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। इसलिए उसको हमेशा बंद करने के लिए लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट कि मेरा घर में भी इस प्रकार से ही इलाज क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो पूरा समाज आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और सरकार भी हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये इश्यू जो है एक मेजर इश्यू है, इसमें हम लोग इसको हम लोग डिस्कस करना चाहिए। और आज यहाँ लोगों वेलफेयर के प्रेसिडेंट अपना हिंदू कार्य जी भी यहाँ पे है और गालो वेलफेयर सोसाइटी के अपना प्रेसिडेंट मान्य ऐसे साथ भी यहाँ पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला दिनों में जो GWS का जो कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि गालो समाज जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में, और आप लोगों का इतना क्वालिफाइड लोग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी सबसे ज्यादा तो अरुणाचल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूप में अपना गालो समाज से ही आप लोग वहाँ पे सर्व करते हैं। एजुकेशन में हो, हर एक क्षेत्र में हो, आप लोग बहुत पहले से ही बाकी कम्युनिटी या बाकी ट्राइब्स से आप लोग पहले से ही एजुकेशन में भी आप लोगों को एंट्री मिला है। आप लोग एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है गालो समाज, तो GWS कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक मॉडलिटी बनाना है अपना हिसाब से। पहले उसको आप लोग पायलट बेसिस में आप लोगों के एरिया में रन कीजिए कि ड्रग्स को हम लोग सोसाइटी के साथ में मिल के कैसे कंट्रोल किया जाता है। उस रोल मॉडल सक्सेस को बाकी अरुणाचल के टाइप को रिप्लीकेट करना चाहिए। तो ये मैं अनुरोध करना चाहेगा।